ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో ఇదే అంశానికి సంబంధించి అధవాలే మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. बीएस बिगाड़ हमारा ज्यादा नहीं जमता है, थोड़ा आपसे थोड़ा सा जमता है, लेकिन आपने सपोर्ट ठीक बात है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी मतलब आपका कहना है कि भाई ये थोड़ा बिल आपने जल्दी क्यों लाया, तो जल्दी जल्दी काम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, मतलब जल्दी जल्दी काम करना है तो दो दिन बाकी है और इसीलिए बिल लाया है इसको कि किसी को मतलब अलग रखने की बात बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के मुताबिक ही ये मतलब जो नया का कानून है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने नया कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है और उसके मुताबिक इस कलम को हटाकर जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की भावना से ये बिल लाया है, या कोई पांडेचेरी को तमिलनाडु में जोड़ने का विषय बिल्कुल नहीं है, पांडेचेरी को मतलब अलग स्टेट का दर्जा दे दिया है, अभी यूनियन टेरिटरी वहां करने से और वहां के लोगों की रक्षा करने के लिए, वहां का आतंकवाद खत्म करने के लिए ये निर्णय ले लिया है, इसीलिए मैं इस जो बिल लाया है अमित शाह जी ने, इसका मैं मेरी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूं और कांग्रेस पार्टी को अपील करना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद जी वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं या कि हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत ऊपर का पद है और अभी अध्यक्ष के बारे में मतलब आपको जो अपोजिशन लीडरशिप भी मिली है तो अच्छी बात है, तो इसीलिए आपके बारे में हमको आदर है और आपको मतलब आपका नाम आजाद है तो जम्मू कश्मीर लड़ाक को आजाद करने की भूमिका हमारी है, हम कोई जम्मू कश्मीर पर कोई आतंक मतलब उधर कोई इमरजेंसी नहीं लगा रहे हैं, वहां के लोगों की रक्षा हमको करनी है और इसीलिए ये बिल लाया है, तो आपके तरफ से भी इसका सपोर्ट होने की आवश्यकता थी और आप लोग मतलब वेल में बैठे थे तो बहुत देर तक वेल में बैठे, लेकिन कितना टाइम बैठेगे मतलब बैठे एक घंटा पर बैठे तो नहीं ठीक बात है, आपको अधिकार है वेल में बैठने का, आपको अधिकार है, तो इसी तरह मैं आखिर में इतना ही बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 कलम को हटा दिया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 कलम को हटा दिया है और अमित शाह ने कांग्रेस वालों को कुछ टाइम तक वेल में बिठा दिया है और बिठा दिया है, भारत के भारत के लोगों की जो भावना थी जो मतलब ये अलग 370 नहीं होना चाहिए उसको हमने मिटा दिया है और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों का नाक कटा दिया है, तो ये काम हम लोगों ने किया है, इसीलिए मैं ये बिल का पूरा समर्थन करता हूँ और भारत मजबूत रहेगा, जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहेगा, जम्मू कश्मीर के एक भी आदमी पर आंच नहीं आने देंगे, जो आतंकवादी नहीं है उसका संरक्षण करेंगे और जो आतंकवादी है उसको जेल में डालेंगे और ये काम करने के लिए ये मतलब हमारा कलम आया है और इसीलिए मैं अमित शाह साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक बिल बहुत अच्छा था लाया है और देश की एकता को हमको मजबूत करना, इसीलिए मैं मेरे पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। जय भीम।